दिस इज मी स्नेहा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज वीडियोस माय मेकअप वीडियो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में आप जान गए होंगे। सो बेसिकली आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में कॉलेज गोइंग गर्ल मेकअप लुक्स। सो या गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज वहाँ पे आपको मेरी अमेजिंग पिक्स एंड रील्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ जाइए जल्दी से मुझे फॉलो करिए जा करके। एंड यस गाइस, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी अपने इस आज की मेकअप ट्यूटोरियल में, वो सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इन केस आप परचेस करना चाहोगे तो परचेस कर सकोगे। सो यस, एंड आज का जो वीडियो है ना गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कॉलेज गोइंग गर्ल को ये मेकअप बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज बहुत ही सिंपल है एंड कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा न्यूडी सा लुक भी है, कुछ हैवी सा नहीं है। एंड यस, तो बिना देरी के देख लेते कि मैंने कैसे क्रिएट किया है इस लुक को। सो या स्टार्ट कर लेते वीडियो को, सो विदाउट एनी मोर टू डू, सो लेट्स गेट ऑन नाउ वीडियो। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं मेकअप। एंड सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर, एंटीबायोटिक का टोनर, एंड ये हनी फ्लेवर है एंड ये काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड मैं इसे अपने हैंड की हेल्प से लगा रही हूँ, आप इसे टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर कॉटन पैड की हेल्प से भी लगा सकते हो। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का एजलेस सीरम, एंड ये भी मेरे स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है, नरिश करता है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। सो काफ़ी अच्छे से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, आप देख सकते हो। एंड ये भी अप्लाई हो चुका है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अगेन बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, एंड ये भी काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र है बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। समर में मेरी स्किन ड्राई ही रहती है, आई डोंट नो वाई। सो येस, नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का, ये है बायो बेरी लिप बाम, एंड ये काफ़ी अच्छे से मेरे लिप्स को हाइड्रेट कर देता है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है वाओ की सनस्क्रीन स्प्रे, एंड मैं डे मेकअप कर रही हूँ कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए, तो उसके लिए सनस्क्रीन स्प्रे तो बनता ही है ना। कोई भी सनस्क्रीन आप लगाइए ज़रूर, बिकॉज आपके फेस पर टैनिंग नहीं होगी, सन से प्रोटेक्ट करेगा आपके स्किन को ये जो लोग लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन स्प्रे। सो येस, आपको ज़रूर लगाना है, ऐसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का फाउंडेशन, एंड गाइस ये मेरा एक शेड डार्क आ गया, लाइक मेरे शेड का नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट टाइम मैंने बाय किया मेरा शेड रॉन्ग हो गया, तो ये जो शेड है ना एकदम प्रॉपर मेरे स्किन से मैच कर जाता है, सो मैं इसे डे टाइम के यूज़ कर लेती हूँ। एंड अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस प्राइमर, एंड इसको मैं साथ में मिक्स करके लगाती हूँ ताकि मेरा जो शेड का हो जाए एंड लाइट रहे, हैवी सा ना रहे फाउंडेशन एकदम, इस वजह से मैं इसकी कवरेज लाइट करने के लिए इसमें प्राइमर अप्लाई करती हूँ, मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे, जो कि आप देख सकते हैं। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा ये मेरे स्किन पे, एंड अभी थोड़ा सा वाइट लग रहा है बट अभी एकदम ये नेचुरल लुक प्रोवाइड करेगा मेरे स्किन पे, अभी आप देखोगे। एंड तो मैं काफ़ी इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड डैबिंग मोशन में ही आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंडर को स्क्वीज़ करना है, गीला करना है, उसके बाद आपको इसे अच्छे से सोक कर लेना है, उसके बाद ही आपको ब्लेंडर यूज़ करना है, तभी आपको फाउंडेशन अच्छे से लगेगा। एंड मैं अपने ईयर पे, नेक पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5 कंसीलर, एंड ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है गाइस, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एंड इनमें से कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो बट आई थिंक कि आपको इस तरीके से मेकअप करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम आपके डार्क स्पॉट्स हाइड हो जाते हैं। आप चाहो तो केवल कंसीलर यूज़ कर सकते हो, कोई फाउंडेशन ना यूज़ करिए, या फिर आप कोई बीबी या सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन ही यूज़ करिए। सो येस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। एंड येस, तो मैं इस तरीके से ही अपना कॉलेज, मेरा भी कॉलेज चल रहा है इस टाइम पे, तो मैं भी ऐसे ही मेकअप करके जाती हूँ, ये मैंने अपना मेकअप शेयर किया जो लिटरली मैं करके जाती हूँ। सो येस, अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश, एंड ब्लश तो मैं लगाती ही हूँ परमानेंट, सो ये काफ़ी अच्छा ब्लश है, ये ब्लू हेवन का है एंड बहुत ही प्यारा शेड है, कोरल शेड है इसका, एंड बहुत ही अच्छे से नेचुरली लुक प्रोवाइड करेगा, अभी आप देखोगे काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आप इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, आप इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, यू कैन सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, एकदम रोजी से चिक्स लग रहे हैं मेरे, एंड थोड़ा सा सन किस ब्लू का आता है, मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। एंड अभी मेरा भाई आ गया था बीच में बात कर रहा था मुझे, तो मैं भी डिस्टर्ब हो गई, सो यस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया नोज़ पे, चिन पे एंड अपने फॉरहेड पे भी, एंड थोड़ा सा मैं इसे आईज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा रेडेस्ट सा लुक देने के लिए, बिकॉज मैं अभी कोई आई शेडर नहीं यूज़ करूँगी, एंड ना ये थोड़ा सा नेचुरल प्रोवाइड करता है, इस वजह से मैं इसे ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ। एंड येस, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये है ब्लू हेवन की ब्राउज सेटर, एंड ये काफ़ी अच्छे से मैं पहले से कॉम कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिल करूँगी, एंड अभी मैं फिल कर रही हूँ, एंड मेरा शेड है लाइट ब्राउन, सॉरी डार्क ब्राउन,
तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक लाइक काफ़ी मेरे फेस से मैच नहीं करता है, काफ़ी हैवी हो जाता है, तो मैं लाइट ब्राउन ही प्रेफर करती हूँ अपने लिए। एंड आप भी ब्राउन ही यूज़ कीजिएगा, वो भी डार्क ब्राउन, आईब्रोज के लिए काफ़ी नेचुरल लगता है। सो अभी मैं इसे अच्छे से सेट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, एंड काफ़ी प्यारे इस तरीके से मेरी आईब्रोज सेट हो चुकी है। एंड आईब्रोज आप सेट कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आपको आईब्रोज सेट करना ही चाहिए, आपका जो फेस है वो एकदम डेफिनेट शेप में आ जाता है आईब्रोज से। येस, एंड अभी आप खुद ही डिफरेंट देखोगे जब भी आप अप्लाई करोगे आईब्रोज को, लाइक आईब्रो पेंसिल को। सो येस, अभी नेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करी हूँ लाइट सा एकदम हाईलाइटर, बिल्कुल लाइट सा यूज़ करी, इसी वजह से मैं यहाँ पर लिक्विड हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, बस एक हल्की सी शाइन आ जाए मेरे चीक्स पे, दैट्स इट। और मुझे हैवी सा कुछ नहीं करना है। एंड आप देख सकते हो जैसे कि मेरे चीक्स है ना थोड़ा सा शाइन करें, बिकॉज सन में मैं जा रही हूँ तो अच्छा लगेगा मेरे चीक्स वगैरह को, चीक्स को। एंड येस, क्या हो गया, मेरी जुबान बहुत लड़का रही है आज, आई डोंट नो वाई। सो येस, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड अभी नेक्स्ट मैंने अच्छे से हाईलाइटर को अप्लाई कर लिया अपने हाई पॉइंट्स पर, आपने देखा होगा। एंड अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर, एंड ये मैं अपने अंडर आई को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं एकदम एंडिंग में इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती थी जितना मैं लिक्विड चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो मैं पहले यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं पाउडर चीज़ें यूज़ करूँ, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है तो काफ़ी जल्दी मेरी स्किन ड्राई होती है अगर मैं कोई भी पाउडर अप्लाई कर लूँ तो, इस वजह से। एंड येस, तो मैंने यहाँ पे अपने आई लैशेज़ को कर्ल कर लिया है। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है मेबेलिन का द फॉल शेज लैश लिफ्ट मस्कारा, जो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी आप डिफरेंस देखोगे मेरी आईज में, बहुत प्यारा सा इफेक्ट आता है, एंड आपकी आई लैशेज़ ना एकदम कर्ल हो जाती है। मेरे पास तो आई लैशेज़ नाम की चीज़ है ही नहीं, मैं हमेशा से जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं आई लैश कर्लर यूज़ करती हूँ, प्लस मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है मेरे आई लैशेज़ में। येस, मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड मैं लाइनर प्रेफर नहीं करती डेली यूज़ के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई करती हूँ। एंड सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की लिपस्टिक, एंड ये लैक्मे की फेवरेट लिपस्टिक है मेरी गाइज, ये बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है न्यूड माइथ, ये बहुत प्यारी लिपस्टिक है, एंड ये हर एक आउटफिट में चली जाती है आराम से, एंड मुझे न्यूड शेड काफ़ी पसंद भी है इसका। सो येस, मेरा जो मेकअप है ना गाइस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इजी सा सटल सा लुक मैंने किया है। एंड मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर तो यूज़ करना ही बनता ही है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये NYV का मेकअप फिक्सर, एंड ये डुई मेकअप फिक्सर है, एंड इसके बहुत सारे वेरियंट्स अवेलेबल है, मैट वाला भी आता है, सो आप परचेस कर सकती हूँ चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड इसको मैं अच्छे से ड्राई कर रही हूँ, येस ये ड्राई नहीं हो रहा है, एंड येस तो मैं इसको पैन करके ड्राई कर रही थी, एंड अभी ड्राई हो चुका है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, क्या मेरे फेस पर डिफरेंस आ चुका है, काफ़ी ड्यूई एंड ग्लोई सी स्किन लग रही है, एकदम नेचुरल है। एंड अभी मैं यहाँ पे इयर रिंग्स वेयर कर रही हूँ गोल्डन कलर के, एंड मेरी सिस्टर मुझसे पूछ रही कौन सी इयर रिंग तुम वेयर कर रही हो। येस, तो मैं इसे अच्छे से वेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा नेकलेस वेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक लगता है इस टाइप से अगर आप एथनिक कुछ ज्वेलरीज वेयर कर लेते हो। एंड येस, तो ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिप भी लगा रही हूँ इस टाइप की, आप देख सकते हो, थोड़ा सा नो अच्छा लुक देगा, इस वजह से मैं सप्लाई करूँ। आप सिंपल भी रह सकते हो, आप कोई नॉर्मल से इयर रिंग्स भी वेयर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो येस, ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जल्दी बताइएगा मुझे प्लीज़। एंड येस। फाइनल लुक, एंड आप देख सकते हो इस लुक को आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इयर रिंग चेंज किए हैं, आप वैसे सिंपल इयर रिंग वेयर कर सकते हो टॉप्स टाइप के, एंड लाइक स्वेट प्रूफ भी मेकअप है ये, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप किया हुआ है। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्लिप वेयर कर ली, बिकॉज ये जो क्लिप है ना मुझे मेरे आउटफिट के साथ अच्छी लगी। आप सिंपल भी रह सकते हो, कोई नॉर्मल ब्लैक कलर की टिकटैक वाली क्लिप लगा सकते हो, बट मुझे अपने नो मैचिंग के हिसाब से मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस टाइप का लुक जो मैंने किया हुआ है। नॉर्मल भी रह सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ये ज्वेलरीज वेयर करो, बट मैं अपना थोड़ा सा बहुत सारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती जो पहन करके जाती हैं, इसको सिंपल जाती हैं। सो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आपको कैसे सिंपल रहना है या फिर जैसे भी आप जाना चाहते हो। मैंने दोनों लोग आपके साथ शेयर किए हैं सिंपल एंड एक इस टाइप का जो कि आप देख रहे हैं। सो येस, ये तो मेरा आज वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जल्दी जाइए, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करिए। एंड या गाइस, तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक मंडे ऑन सैटरडे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, बाय बाय।